अंजू, इन्होंने लिखा कि इनके कान में दर्द होता था और रेशा निकलता था। फिर इन्होंने बीकानेर से रिपोर्ट करवाई तो कान का पर्दा फटा आया रिपोर्ट में। डॉक्टर ने कहा कि 8 दिन में ऑपरेशन करने का बोला। तब ये चमत्कार चर्च में आए और बिशप जी से ले हैंड प्रार्थना करवाई। उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट कर पाई तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे कान का पर्दा फट गया था, मैंने बीकानेर में दिखाया तो उसने कहा, डॉक्टर ने भी 8 दिनों के अंदर अंदर आप ऑपरेशन करा लो, आप ठीक हो जाओगे, आपके कान का पर्दा फट गया है। मैंने कहा नहीं, मेरा खुदा चंगा करेगा मुझे, मैं इतना विश्वास करती हूँ खुदा के ऊपर, मेरा खुदा ही मुझे चंगा करेगा। तो बीकानेर से मैं यहाँ पर आई, मैंने यहाँ पर भी दिखाया तो यहाँ पर भी ऐसे ही बोला भी आप ऑपरेशन करा लो, आपका कान का पर्दा ख़राब हो गया। फिर मैं यहाँ पर आई चर्च में, जब पास्टर जी सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे तो मेरे लिए प्रार्थना हुई तो मैं ठीक हो गई एकदम। तो मैंने सोचा मेरे दिल का वहम है ये, मैं ठीक नहीं हो सकती। फिर मैं जैसे सो रही थी तो खुदा ने मुझे कहा कि नहीं, आप ठीक हो गए हो। तो मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, तो मतलब आपके कान में पहले दर्द होता था? हाँ जी। फिर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर रेशा निकलने लग गया? हाँ, रेशा निकलने लग गया था, पानी के जैसे ऐसे बहता ही रहता था। नहीं, डॉक्टर कैसे रिपोर्ट कैसे की उसने, कैसे कहा पर्दा फटा हुआ है? वहाँ पर वो मशीनें लगा के बीकानेर में मशीनें लगा के चेक किया तो उसने कहा कि अभी 8 दिन आप देख लो, भी आपको ठीक होता तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, कान का पर्दा खराब हो गया। तो मशीन ला के देखा था और उसमें पर्दा जो था फटा हुआ था। और फिर यहाँ पर मैंने चेक कराया गंगानगर में शिव चौक के ऊपर हॉस्पिटल है वहाँ पर, तो उसने भी ऐसे ही बोला कि आपका ऑपरेशन होएगा। मैंने कहा नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। अच्छा, उस डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा? हाँ जी। और फिर आप चमत्कार चर्च में यहाँ पर आए, चर्च में आए और मुझसे ले हैंड प्रार्थना करवाई। हाँ जी, आपसे प्रार्थना कराई और मैं ठीक हूँ। और उसके बाद ठीक है? अब रेशा नहीं निकलता? अब कुछ भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसने चंगा किया? यीशु मसीह ने। तो मतलब कितने दिन दर्द होता रहा? बहुत ही टाइम दर्द होता, 3 साल तक मैं बहुत ही परेशान थी कान से। 3 साल तक बहुत ही परेशान, बहुत दर्द था। तो वो रेशा अगर निकलता तो उसकी तो बदबू बहुत आती है, बहुत ज्यादा, पानी की जैसे बहता ही रहता था। मैं कहीं पर भी जाती मुझे शर्म महसूस होती थी, मैं क्या करूँ। तो मतलब जैसे आप इस किस साइड पर था? उस साइड पे था, तो ऐसे सोने से वो बहुत ही बाहर निकलता, रेशा बाहर निकलता, बहुत निकलता था। देखिए ये कितनी दुख की बात होती है ना, और कान से रेशा निकले, हल्का सा ही निकले तो भी बदबू आने लग जाती है, और बेचारी दर्द हो रहा था 3 सालों से, और कब से रेशा बह रहा था और पर्दा फट गया, गल गया होगा, फट गया होगा। लेकिन जब इन्होंने ले हैंड प्रार्थना करवाई तो प्रभु यीशु मसीह जी ने चंगा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। 35 साल से इनका घर कच्चा था, छत से बरसात का पानी निकलता रहता था, इनके घर की छत भी गिर गई थी। फिर ये चमत्कार चर्च में प्रार्थना लिखवा कर गए और उसके बाद इनका घर पक्का बन गया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की, पास्टर को जय मसीह की। पहले मेरा घर कच्चा सा था, पानी चूता, बारिश आती थी वो सारा पानी एक कमरे में इकट्ठा हो जाता था। तो एक दिन मैं प्रार्थना करने गई तो मैं निकल गई प्रार्थना करके, जब मम्मी आई प्रार्थना करने के लिए तो छत नीचे गिर गई। शुक्र है कुछ किसी को नहीं हुआ, ना हमारा सामान फूटा और मेरा घर बन गया। आप पक्का बन गया? अब पक्का बन गया, छत पक्की बन गई, पूरा कंप्लीट हो गया, छत पूरी होगी। हाँ, तो आप यहाँ प्रार्थना लिखवा कर गए थे? प्रार्थना लिखवा के गए थे।
तो आप लोग भी किसी भी बात के लिए आप चाहें तो यहाँ प्रार्थना लिखवा कर वहाँ दे दिया करो हमारे स्टाफ के लोगों को। तो उसके बाद जब आप चले जाते हैं आप मौज से रहिएगा अपने घर में, हम लोग आपके लिए फिर प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रेयर टावर के लोग सब आपके लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं और आप निश्चिंत होए। प्रभु का धन्यवाद। 35 सालों से इनका घर कच्चा था ना, बरसात का पानी भी इकट्ठा हो जाता था और छत भी गिर गई, लेकिन ये प्रार्थना लिखवा कर गए चमत्कार चर्च में। परमेश्वर मसीह जी ने इनके घर को पक्का किया। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं।